ओनली ए वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेज, केवल जूता पहनने वाला ही जानता है कि जूता उसको कहाँ काट रहा है। अर्थात केवल जिसको तकलीफ होती है वो ही अपनी तकलीफ के बारे में जान सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं। मैं एस के मिश्रा शार्क करियर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो मैंने शब्द लिया है वो है वेयर, डब्ल्यू ई ए आर, वेयर। असली अर्थ है इसका पहनना, पुट ऑन माने भी पहनना होता है, पुट ऑन, और वेयर माने भी पहनना होता है। वेयर की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब है, और इसकी सेकंड फॉर्म है वोर, डब्ल्यू ओ आर ई, और थर्ड फॉर्म है डब्ल्यू ओ आर एन, वॉर। अब देखें, मैंने इसके 9 अर्थ दिए हैं वेयर शब्द के। देखें, पहनना, शी वोर ए व्हाइट ड्रेस, वह सफेद कपड़े पहने हुए थी। शी वोर ए ब्लैक ड्रेस, वो काले कपड़े पहने हुए थी। शी वोर ए रेड ड्रेस, वो लाल कपड़े पहने हुए थी। शी वोर स्पेक्टिकल्स, अब जैसे चश्मा पहनना है तो चश्मा पहनने के लिए वेयर आती है, चश्मा पहने हुए, शी वोर स्पेक्टिकल्स, वह चश्मा पहने हुए थी। तो स्पेक्टिकल्स हमेशा प्लूरल में लिखा जाएगा क्योंकि इसके दो भाग होते हैं, एक ये लेंस है एक ये लेंस है, दो भाग होते हैं चश्मे के, तो इसलिए स्पेक्टिकल्स लिखा जाएगा, शी वोर स्पेक्टिकल्स। संवारना, बाल संवारने के लिए स्पेशली, शी वेयर्स हर हेयर इन ए पॉनी टेल, वह पॉनी टेल के रूप में अपने बाल संभालती है, एक चुटिया, पॉनी टेल। शी वेयर्स हर हेयर इन ए पॉनी टेल, पॉनी टेल के रूप में वो अपने बाल काटती है, संवारती है। प्रदर्शित करना इसका तीसरा अर्थ है, शी वोर एन एंग्री एक्सप्रेशन, उसने प्रदर्शित किया गुस्से का एक्सप्रेशन, गुस्से का भाव प्रदर्शित करना, गुस्से का भाव प्रदर्शित किया, शी वोर एन एंग्री एक्सप्रेशन, क्रोध का भाव प्रदर्शित किया, गुस्से का भाव। हल्का पड़ना इसका चौथा अर्थ है, दिस स्वेटर इज वेयरिंग थिन एट दी एल्बोज, कोहनियों पे से, कोहनियों पे से ये पतला होता जा रहा है, ये स्वेटर कोहनियों पे से पतला होता जा रहा है, थोड़ा सा हल्का हो गया है। दिस स्वेटर इज वेयरिंग थिन एट द एल्बोज, यानी यहां से फट जाएगा, ये हल्का होता जा रहा है। घिसना भी अर्थ होता है इसका, आई हैव वोर ए होल इन द एल्बो ऑफ माई जैकेट, घिस जाना इसका अर्थ होता है, द जैकेट इज वॉर्न ड्यू टू कॉन्स्टेंट यूज, लगातार पहनने के कारण, लगातार यूज करने के कारण जैकेट घिस गई है, जैकेट घिस गई है लगातार यूज होने के कारण। ज्यादा चलना भी इसका अर्थ होता है छठा, फैशन क्लोथ्स, फैशनेबल क्लोथ्स, फैशन क्लोथ्स, ऑफन डू नॉट वेयर वेरी लॉन्ग, फैशनेबल क्लोथ्स जो होते हैं, फैशन के क्लोथ्स जो होते हैं, फैशनेबल क्लोथ्स यानी फैशन वाले क्लोथ्स, फैशन क्लोथ्स ऑफन डू नॉट वेयर वेरी लॉन्ग, ज्यादा देर तक नहीं चलते, फैशन के कपड़े, फैशन बदलता रहता है, कपड़े बदलते रहते हैं, फैशन के कपड़े ज्यादा दिन तक नहीं चलते। पहनावा, कॉटन्स आर गुड फॉर समर वेयर, सूती कपड़े गर्मियों के दिनों के लिए, गर्मियों के पहनावे के लिए बहुत अच्छे होते, सूती कपड़े। टिकाऊपन, आठवां अर्थ होता है इसका, द कर्टेन्स विल हैव ए लॉन्ग वेयर, ये पर्दे जो टांगे गए खिड़कियों पर ये बहुत दिन चलेंगे, द कर्टेन्स विल हैव ए लॉन्ग वेयर, बहुत दिन चलेंगे, टिकाऊ है। भाव होना, हिज फेस वोर ए सैड लुक, उसके चेहरे पर दुख का भाव था, सैड माने दुख, दुखी, हिज फेस वोर ए सैड लुक, उसके चेहरे पर दुख का भाव था। अब देखें, वेयर डाउन, वेयर डाउन माने थक जाना, वेयर के साथ डाउन शब्द लगा हुआ है, वेयर डाउन थक जाना, राम इज कंप्लीटली वॉर्न डाउन, इज कंप्लीटली वॉर्न डाउन, बिल्कुल थक के चूर हो गया है राम,
काम करते करते थक के चूर हो गया। राम इज कंप्लीटली वॉर्न डाउन, घिस जाना इसका दूसरा अर्थ होता है। द टायर्स हैव बीन वॉर्न डाउन, अर्थात टायर, ट्रक के टायर, पहिए के जो टायर होते हैं वो बिल्कुल घिस गए। द टायर्स हैव बीन वॉर्न डाउन, बिल्कुल घिस गए। वेयर ऑफ माने धीरे धीरे खत्म हो जाना, धीरे धीरे खत्म हो जाना। द पेन इज वेयरिंग ऑफ, दर्द जो मेरा था, मुझे दर्द हो रहा था, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। वेयर आउट समाप्त होना। फाइनली हर पेशेंस वॉर्न आउट, अंत में उसका धैर्य जवाब दे गया, उसकी सही शक्ति समाप्त हो गई, जवाब दे गई। फाइनली हर पेशेंस वॉर्न आउट। वेयर एंड टीयर का अर्थ है टूट फूट। द नॉर्मल वेयर एंड टीयर इज नॉट इंक्लूडेड, साधारण टूट फूट को सम्मिलित नहीं किया गया है। द नॉर्मल वेयर एंड टीयर इज नॉट इंक्लूडेड, साधारण टूट फूट जो होती है कागजों में, जैसे इंश्योरेंस के कागज होते हैं, तो उसमें सम्मिलित नहीं की जाती, साधारण टूट फूट। द नॉर्मल वेयर एंड टीयर इज नॉट इंक्लूडेड, सम्मिलित नहीं की गई है। वेयर ऑन धीरे धीरे बीतना, एज द टाइम वोर ऑन, जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, शी बिकेम मोर एंशियस, वो ज्यादा चिंतित हो गई। जैसे बच्चे नहीं आए स्कूल से, समय बीतता जा रहा है तो उसकी चिंता बढ़ गई। एज द टाइम वोर ऑन, जैसे जैसे समय बीता, शी बिकेम मोर एंशियस, वो ज्यादा चिंतित हो गई। वेरेबल पहनने योग्य, वेयर माने पहनना, वेरेबल में एविल लग गया तो वेरेबल हो गया पहनने योग्य, एविल माने योग्य। द गारमेंट इज वेरेबल, ये पोशाक पहनने योग्य है, ये पोशाक, ये कपड़े को पहनने योग्य हैं। वेयर पहनने वाला, दीज बूट्स विल डैमेज द वेयरर्स फीट, ये जूते डैमेज कर देंगे, नुकसान पहुंचाएंगे वेयरर्स फीट, पहनने वाले के पैरों को, वेयरर्स फीट पहनने वाले के पैर। दीज बूट्स, ये जूते विल डैमेज, नुकसान पहुंचाएंगे द वेयरर्स फीट, पहनने वाले के पैरों को। वेयर अवे माने घिस जाना। द बूट्स हैव बीन वॉर्न अवे, जूते घिस गए हैं। द बूट्स हैव बीन वॉर्न अवे, वॉर्न अवे का अर्थ है घिस जाना, जूते घिस गए हैं। वेयर, वेयर माने पहनना होता है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। इसका एक और अच्छा सा सेंटेंस है, वो इसलिए बोले दे रहा हूं मैं। आई हैव सो मैनी क्लोथ्स, मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं, तमाम कपड़े हैं, अमीर लोगों के पास होते ही हैं। आई हैव सो मैनी क्लोथ्स, आई डोंट नो वट टू वेयर टुमारो, कल क्या पहनूं मेरी समझ में नहीं आ रहा, कल कौन से पोशाक पहनूं, कौन सी ड्रेस पहनूं, कौन से कपड़े पहनूं, समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास इतने सारे कपड़े कि मेरी यही समझ में नहीं आ रहा है कि कल मैं कौन से कपड़े पहनूं। वेयरी शब्द है, मैंने कुल मिला के 30 सेंटेंस दिए हैं लगभग, क्योंकि एक एक के कई कई अर्थ, एक एक शब्द के कई कई अर्थ दिए, सेंटेंस दिए, इस प्रकार ये 30 सेंटेंसेस हो गए। वेरी थका हुआ, शी लुक्ड वेरी आफ्टर द डेज हार्ड वर्क, पूरे दिन के काम करने के बाद वो थकी हुई लग रही थी, थका हुआ या थकी हुई। शी लुक्ड वेरी आफ्टर द डेज हार्ड वर्क, पूरे दिन के कठिन परिश्रम के बाद वो थकी हुई लग रही थी। उबाऊ, उबाऊ जो उबा दे। इट वॉज वेरी जर्नी, 2 दिन की अगर यात्रा करनी पड़ जाए, कुछ लोग तो बहुत बहुत दिन की यात्रा करते हैं, 2 दिन की यात्रा करनी पड़ जाए, कितनी उबाऊ होती है। इट वॉज ए वेरी जर्नी बाई ट्रेन फॉर 2 डेज, 2 दिन की उबाऊ जर्नी थी, उबाऊ यात्रा थी, मैं तो ऊब गया।
It was a weary journey by train for 2 days. दो दिन लगातार ट्रेन में. तीसरा अर्थ थक जाना. The boy wearied for of pedaling the cycle. साइकिल के पेडल मारते मारते, साइकिल चलाते चलाते लड़का थक गया. Weariness, थकावट. Weariness is shown in her face. उसके चेहरे पर थकावट साफ साफ झलक रही थी. Weariness is shown, झांसा साफ झलक रही है. Weariness is shown in her face. उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही है. और थी लगाना है, इसकी जगह वाज कर दीजिए. Wearisome माने नीरस, जिसमें बात में रस ना आए, इंटरेस्ट ना आए, नीरस कहलाती है. द मीटिंग वाज वेरीसम विद नो इंटरवल्स. मीटिंग इतनी लंबी खिंच गई, इतनी लंबी खिंच गई, कोई इंटरवल नहीं, कोई मध्यांतर नहीं, और लगातार होती रही. इससे क्या हो गया, नीरस हो गई. द मीटिंग वाज वेरीसम, बिल्कुल नीरस थी मीटिंग. विद नो इंटरवल्स, उसमें कोई इंटरवल था ही नहीं. वेयर ए लॉन्ग फेस, चिंतित दिखना, चिंता युक्त दिखना. शी वॉज वेयरिंग ए लॉन्ग फेस, वो चिंतित दिख रही थी. वेयर ए लॉन्ग फेस का अर्थ है चिंतित, चिंता युक्त दिखना. शी वॉज वेयरिंग ए लॉन्ग फेस, वो चिंता में दिख रही थी. वेयर हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव, वेयर हार्ट ऑन स्लीव, या वेयर हिज हार्ट ऑन स्लीव, ऑन हिज स्लीव. भावनाओं को बताना. शी वोर हर हार्ट ऑन हर स्लीव, वो उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दिया, बताया अपनी भावनाओं को, व्यक्त किया. वेयर आउट समबडीज वेलकम, किसी के घर या तो जाते रहना, इसका अर्थ होता है वेयर आउट समबडीज वेलकम. इसका अर्थ होता है या तो बहुत दिनों तक तो लगातार किसी के घर जाते रहो, या किसी मेहमान का एक ही घर में, किसी के घर में ज्यादा दिनों तक टिकना, मेहमान के रूप में बहुत दिनों तक टिके रहना, या बार बार किसी के घर जाना. ही वोर आउट माई वेलकम, वो लगातार मेरे यहां मेहमान के रूप में टिका रहा या आता रहा. तो ही वोर आउट माई वेलकम, बहुत अच्छा सेंटेंस है. वेयर आउट समबडीज वेलकम, इसको याद रखें, बहुत जगह यूज होता है. वेयर येलो स्टॉकिंग्स, द्वेष रखना, ईर्ष्या रखना, जलन रखना. ही वेयर्स येलो स्टॉकिंग्स, वह द्वेष रखता है. ही वेयर्स येलो स्टॉकिंग्स, वह द्वेष रखता है. वेयर वार्म क्लोथ्स इन विंटर, वार्म क्लोथ्स पर ध्यान दें. गर्म कपड़े की अंग्रेजी कुछ लोग हॉट क्लोथ्स लगा देते, हॉट क्लोथ्स कभी नहीं होती है, वार्म क्लोथ्स होती है गर्म कपड़े की अंग्रेजी. वेयर वार्म क्लोथ्स इन विंटर, सर्दियों में गर्म कपड़े पहनो. सर्दियों में गर्म कपड़े पहनना ही चाहिए, तो गर्म कपड़े पहनो. ये मेरे सेंटेंसेस 30 सेंटेंसेस कैसे लगे. एक शब्द लिया मैंने वेयर, और वेरी भी लिया, बहुत सारे शब्द लिए हैं, और साथ में उनके सेंटेंसेस भी समझाने के लिए मैंने बनाए हैं, और हिंदी भी लिखी है ताकि आप अच्छी तरीके से खूब समझ सकें शब्दों का अर्थ. कैसी लगी मेरी ये वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच.